ग्रेजुएशन हो गई क्या? 12वीं पढ़ी थी, पेपर दिए थे कोरोना वाला? 10वीं के दिए थे? तो 10वीं से पहले पढ़ा है अपन ने स्कूल में, अनुपात पढ़ा है ना। देखो मैं आपको ऐसी कोई चीज नहीं पढ़ाऊंगा गणित में जो आपने पहले नहीं पढ़ी, ठीक है? पहले नहीं पढ़ी ऐसी आपको मैं कोई चीज नहीं पढ़ाऊंगा। आसान अर्थमेटिक अपन पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में ये गणित है ही नहीं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। बिना फॉर्मूले के पढ़ेंगे, कोई फॉर्मूला इसका नहीं है, ठीक है? जैसे अपन बिल्कुल जनरली अपन देखते हैं कि गांव में, घर में, परिवार में अपने दादा दादी नाना नानी ज्यादातर लोगों के उस टाइम के पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी वो ब्याज का हिसाब, दूध का हिसाब आपसे जल्दी कर लेते हैं, कर लेते हैं ना? नहीं पढ़े हैं फिर भी कर लेते हैं ना? कैसे? प्रैक्टिस का खेल है, अर्थमेटिक वही है, गणित नहीं है ये। तो पहले तो ये बताओ गणित से डर किस किस को लगता है, दिखाओ थोड़ी ईमानदारी। हाँ ईमानदारी दिखाओ, गणित से डर? देखिए अपन बात करते हैं जो अपन पढ़ रहे हैं गणित की, उसकी बात कर रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से। अपन कहते हैं कि कोई आदमी कितना पढ़ा लिखा है, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन कहते हैं ना, कितना पढ़ा लिखा है। कि ऊपर से बात करें तो कहते हैं कि पीएचडी करी हुई है, फिर कहते हैं मास्टर्स मतलब पोस्ट ग्रेजुएट जिसने एमए कर रखा है, एमकॉम कर रखा है, फिर क्या हो गई ग्रेजुएशन जिसने बीए बीएससी बीकॉम, ऐसे 12th हो गई, फिर 10वीं हो गई, 5वीं हो गई, ऐसे सबसे छोटी क्वालिफिकेशन क्या होती है? साक्षर। कि कोई आदमी साक्षर है, सबसे छोटी क्वालिफिकेशन क्या होती है? साक्षर। तो वो साक्षरता की परिभाषा क्या होती है, कौन बताएगा? हाथ ऊपर करके, साक्षरता की परिभाषा क्या होती है बताओ? कि कोई आदमी साक्षर है, इसकी परिभाषा क्या है? हाँ, जिसको पढ़ना लिखना आता है। और कोई? देखो गांव में अपने यहाँ जब भी जनगणना होती है, जब भी जनगणना होती है तो अपन कहते हैं कि कितने परसेंट देश की जनता साक्षर है, कहते हैं 80% साक्षर है। तो आप कभी भी देखना गांव, घर, परिवार, कॉलोनी में लोग सर्वे वाले आते हैं ना, तो देखते हैं कि हाँ साक्षर है, तो जिसको साइन करना आता है अपन उसको साक्षर मान लेते हैं। एक्चुअल में साक्षरता या लिटरेट जिसे कहते हैं, लिटरेट इंग्लिश में, उसकी परिभाषा क्या है? जिसको तीन चीजें आती है, पढ़ना, कुछ भी लिखा हो एक एक या दो लैंग्वेज में पढ़ना, मान लो हिंदी आती है तो हिंदी में पढ़ा लिखा, अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी में पढ़ा लिखा, लिखना तो पढ़ना मतलब रीडिंग, लिखना मतलब राइटिंग, और अर्थमेटिक। और क्या आती है? अर्थमेटिक। तो मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको साक्षर बना रहा हूं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? साक्षरता की जो नीचे की नीचे परिभाषा है ना, वो पूरी कर रहे हैं अपन, वो अर्थमेटिक अपन पढ़ रहे हैं। तो ये मैथ्स नहीं है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, पहली बात, ठीक है? कोई फॉर्मूला नहीं होता इसका। आप देखते हो, आप सब्जी खरीदने जाते हो, देखो मैं आपको ये कहूं कि एक पेन 5 रुपए का, 5 पेन कितने के? सब बता दोगे। ये लिखा आ जाए क्वेश्चन में कि एक पेन 5 रुपए का, आप बताइए 5 पेन कितने रुपए का होंगे? आधे नहीं करोगे, छोड़ दो, गणित आ गई, ठीक है? आपको कहे कि आलू 16 रुपए किलो है, 10 रुपए के आलू आप सब्जी वाले को कहोगे 10 के आलू दे दो, आपको नहीं पता कितने आएंगे, उसको पक्का पता है, चाहे वो भी पढ़ा लिखा नहीं है बिल्कुल, चाहे उसको साइन करना नहीं आएगा, फटाफट तोल देगा, ऐसे कम ही देगा आपको, ज्यादा नहीं देगा, क्यों? उसके प्रैक्टिस का खेल है। आपको अभी पूछे कि 16 रुपए किलो आलू है, 10 के कितने आएंगे? आधों के गड़बड़ है, ठीक है? आधों के गड़बड़ हो जाएगी, उसके नहीं होगी, क्योंकि उसके प्रैक्टिस का खेल है। यही सारी चीजें अपन पढ़ेंगे,